हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर इसमें बोला गया है हर साल उनतीस हज़ार पद भरे जाएंगे इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है जैसे अभी 2022 में उनतीस हजार पद भरे गए अब दो हजार तेईस में भी उनतीस हजार पदों को भरने का आदेश है तो मैं पूरी विस्तार से इसकी आपको जानकारी दे रहा हूँ इसमें बोला गया है कि उनतीस हजार पदों को हर साल भरा जाए इस नियम के आधार पर बनाकर विभाग ने हर साल भर्ती करने की रणनीति बनाई है इस लिहाज से करीबन उन्तीस हजार पदों पर हर साल नियुक्ति की जा सकेगी 2023 में पात्रता परीक्षा भी ली जा सकेगी ठीक है इस उद्देश्य से उन्तीस हजार पद 2023 में भी भरे जाएंगे पूरी विस्तार से मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा वीडियो वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर इसमें बोला गया अगले साल भरे जाएंगे शिक्षकों के उन्तीस पद पात्रता परीक्षा के आधार पर चयन हुआ इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के पांच साल के अंतर्गत के अंतराल के बाद 2023 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा है इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों से शिक्षक के उनतीस हजार पद से अधिक पद भरे जाएंगे और 2020 के रोस्टर के आधार पर होने वाली इस भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग में पंद्रह हजार और जनजाति कार्य विभाग में चौदह हज़ार इससे पहले 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित किया गया था इसमें पात्र पाए गए अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अवधि बढ़ाकर वर्तमान में शिक्षकों के सत्रह से अधिक पद भरे जा रहे हैं कर्मचारियों की संख्या की दृष्टि से बड़े स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के सत्तर हजार से अधिक पद खाली सत्तर हजार से अधिक अभी भी पद खाली बने हुए हैं ठीक है और इसमें बोला गया हर साल डेढ़ से दो हजार पद रिक्त होते हैं ठीक है जो रिटायरमेंट होते हैं शिक्षक हर साल डेढ़ या दो हजार या ढाई हजार भी पद रिक्त हो जाते हैं तो अनुमान लगाया जा रहा है इस अनुपात में भर्ती नहीं होती है ठीक है तो इनके भी पद जो खाली होते हैं वो भी भरे जाना चाहिए जिससे शिक्षकों की कमी बनी रहती है इस स्थिति को देखते हुए विभाग ने हर साल नियुक्ति करना तय किया है और सामान्य प्रशासन विभाग के नियम कहते हैं कि विभाग कर्मचारियों की संख्या के पाँच प्रतिशत अतिरिक्त पद पर अपने स्तर पर भर्ती कर सकते हैं इससे अधिक पदों पर भर्ती के लिए वित्त विभाग से अनुमति कि पाँच परसेंट पद सरकार अपनी तरफ से भर्ती कर सकता है शिक्षा विभाग और अगर ज़्यादा पदों पर भर्ती करना पड़ेगी तो और इस नियम के आधार पर बनाए गए विभाग में हर साल भर्ती की रणनीति बनाई गई है इस लिहाज से करीबन उनतीस हज़ार पदों पर हर साल नियुक्ति की जा सकेगी दो हज़ार तेईस में पात्रता परीक्षा में भी इसी उद्देश्य के लिए आयोजित की जाएगी ठीक है उसमें बोला गया है कि पंद्रह हजार और सत्रह हजार पंद्रह हज़ार पद हैं पंद्रह हजार पद स्कूल शिक्षा विभाग के चौदह हजार जनजातीय विभाग के सत्रह हजार से अधिक पद भरे जा रहे हैं वर्तमान में शिक्षकों के और पाँच साल के अंतराल के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की है तैयारी प्रदेश भर के शिक्षकों के सत्तर हजार से अधिक पद खाली हैं ठीक है सत्तर हजार से अधिक पद खाली जिसमें से अभी उनतीस हजार पद भरे जा रहे हैं बाकी पद हर साल भरे जाएंगे ठीक है धन्यवाद फ्रेंड्स